हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय इन दिनों अपनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं और यही वजह है कि वो अपनी इस फिल्म का जगह जगह प्रमोशन भी कर रहे हैं। अब लीजिए विवेक को फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के प्रमोशन के दौरान अपना वो दौर याद आ गया जब उनके करियर का बेहद ही बुरा हाल था, और वो हाल किसी और की वजह से नहीं बल्कि सलमान की वजह से हुआ था। इसी को लेकर एक बार फिर विवेक ने सलमान का नाम लिए बिना ही उन पर ताना मारा है। हाल ही में एक इंटरव्यू में विवेक ने करियर पर बात करते हुए कहा है कि वो सभी हालतों का सामना करने के बाद आज भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। विवेक ओबरॉय ने कहा कि मैं वो इंसान हूँ जिसकी प्रोफेशनल लाइफ साल 2004 से प्रभावित हो रही है, इसके बावजूद भी मैं आज इंडस्ट्री में हूँ। मैंने भारत की 6 अलग अलग भाषाओं में काम किया है और लगभग 20 से ज़्यादा अवार्ड्स जीते हैं, और आज मुझे अच्छा काम मिल रहा है। हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड में कैसी रेस लगी रहती है, लेकिन मैं आज भी शांति से अपना काम कर रहा हूँ और अपने परिवार के साथ वक्त भी बिता पाता हूँ। तो देखा आपने, विवेक ने सीधा सीधा सलमान पर निशाना साधा है और उनका मजाक बना दिया है। ये तो आप जानते ही हैं कि विवेक और सलमान के रिश्ते कैसे हैं। विवेक ने सालों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सलमान पर कई आरोप लगाए थे, साथ ही दोनों के बीच ऐश्वर्या को लेकर भी काफी बवाल हुआ था। हालांकि विवेक ने कई बार सलमान से माफी मांगने की कोशिश की है, लेकिन भाईजान ने आज तक उन्हें माफ नहीं किया है। पर देखने वाली बात तो अब ये होगी कि विवेक की इन बातों पर सलमान खान कैसे रिएक्ट करते हैं। वैसे आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो आई थिंक दैट शुड बी नोटिस्ड एंड आई विश प्रोड्यूसर्स कुड हैव नोटिस्ड दिस बिफोर एंड कुड हैव मेड दिस फिल्म मच बिफोर देन टुडे एंड देन When Umang came on board, we started the journey and it was simple. We made the film. The most inspiring thing about Modi ji that has somehow influenced you in your own personal life? I think Modi ji has inspired everyone, not only me. Somewhere down the line, people who are sitting here, they are all get inspired by somebody or the other. But a personality and a human being like Narendra Modi ji does inspire everyone, and that's why when he came and he was nominated as a prime minister, he won with such a big majority, and that shows. So it's not that individually anybody has to, like me, get inspired. The nation is inspired by him, and we will witness that in 2019 election as well. Sabse bada challenge, before I ask Umang, sabse badi chunauti is film ke liye kya rahi hai aapke liye, Sandeep? Sabse badi chunauti ek I think मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उमंग इस फिल्म पे कैसे आए और डायरेक्ट करें, तो I think उमंग should answer this. उमंग, for you this is your third biopic straight in a row. You've always inspired the nation with your biopics, whether it's Mary Kom, whether it's Sarabjit, and now of course PM Narendra Modi. So what is it about Modi ji, and tell me about your journey. I'm a very neutral person to start with, okay. When Sandeep asked me about whether this would be possible and whether I would like to direct this film, and yes, biopic ka jo mera jo third daur hai wo main nahi chahta tha, lekin ab ban gaya hu biopic director to bahut inspire ho jata hu har bar, kyunki why not, okay. Main khud se question puchta hu, nahi I will be typecast, lekin chalega, I am good at it, I'll do it. Now coming back to this film, when he asked me, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई मेरे सर पर कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन द स्टोरी इज सो इंस्पिरेशनल दैट आई सेड अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर देगा, तो मैं क्यों नहीं करूं, बिकॉज आई लव द कैरेक्टर्स ग्रोथ फ्रॉम, अगर मेरे को किसी ने बोला होगा 60 साल पहले कि एक चाय वाला ये जो है ना ये बनेगा पीएम बड़ाओ के, तो कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन वो बन चुका, बन के ऐसा दिखाया कि पूरा नेशन खड़ा होकर ताली मारा कि ये है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड एंड आई गॉट इंस्पायर्ड बिकॉज ऑफ दैट, एंड दैट्स व्हाई आई सेड यस आई विल डू दिस फिल्म, बिकॉज आई लाइक जीरो टू हीरो बोल सकते हैं, या अ स्ट्रगल स्टोरी दैट कैन इंस्पायर एनीवन एंड एवरीवन कि मैं भी बन सकता हूँ एक दिन प्राइम मिनिस्टर। वो हमारी इस फिल्म में एक लाइन भी है बहुत अच्छी तरह कि कोई भी बन सकता है, एंड ही डिड इट एंड वी ऑल गॉट इंस्पायर्ड एंड दैट्स व्हाई आई डिड दिस फिल्म। आपके लिए क्या कहूँ मैं, आपका तो नाम एक चमत्कार है, क्योंकि आपका पूरा नाम उनसे मिलता है जिनकी पूजा करते हैं श्री नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद। और कमाल की बात यह है, शायद आप लोग जानते हैं कि विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र है
और अब आप नरेंद्र मोदी जी का रोल अदा कर रहे हैं, ये कैसी किस्मत है जो जिसने आप तीनों को जोड़ा है? सबसे पहले तो इसके बारे में कहिए कुछ. यू थिंक यू आर डेस्टिन्ड टू प्ले दिस रोल? गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट. आई थिंक डेस्टिनी इज इट वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज. आपको खुद जाके आपकी किस्मत मिल जाती है कहीं ना कहीं. मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब जितने लोग यहाँ हैं, मीडिया वाले, मैं, वेरेवर वी आर इन आवर लाइव्स, हम सब ने कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल का फेज एक्सपीरियंस किया है. मैंने किया है एंड हम सबको लगता है कि मेरी स्ट्रगल बहुत डिफिकल्ट रही. बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लेइंग दिस रोल, दिस कैरेक्टर, अब मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट हैव द राइट टू से कि मैंने स्ट्रगल किया. जो मैंने नरेंद्र मोदी जी की स्ट्रगल देखी है, और विथ अ स्माइल एंड विथ अ सिंगल माइंडेड पर्पस ऑफ सर्विंग द नेशन जो उन्होंने अचीव किया है, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने स्ट्रगल किया. What was your biggest challenge in taking on this role? Were you intimidated at all? Of course, it's a you're portraying a living legend. He is a man that has captured the imagination of people, those who love him, those who hate him, do both with intensity. Jitna log unko jaise abhi pehli baar hamari picture mein dialogue bhi hai ki ek ala neta जिसके समर्थक उसे जिसके समर्थक अपने आप को छाती ठोक कर भक्त कहते हैं, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पॉलिटिशियन के लोग भक्त हुए हैं. सो टू रीच दैट लेवल एंड देन टू बी एबल टू ट्राई एंड पोर्ट्रे दैट ऑन स्क्रीन, इट वाज अ बिग चैलेंज, बट आई एम जस्ट थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि चैलेंजेस मेक यू हु यू आर. एंड वन फाइनल क्वेश्चन बिफोर वी ऑल्सो स्टार्ट द क्यू एन ए, टूमंग, दैट फॉर यू वाज इट ऑल्सो वेरी वेरी चैलेंजिंग एज अ डायरेक्टर to have a balanced perspective about a man about whom so much has been written about and so much has been said? So it must have been very, very tough for you to keep that balanced perspective. Like I said, I must be the most neutral person in this whole film because I don't get influenced by other people as what people read. Acha ye kaha gaya hai inke bare mein, ye kaha, main wo nahi dekh raha tha, main ek insaan ki kahani bata raha tha. So it was a very simple story for me. Okay, I need to see his struggle and I need to see his goal and what he's become, and I did that. I am not anything about politics and all. Bahut straightforward main kaam karta hu because mereko ek journey dikhani thi aur wo journey humne dikhai hai is film mein. It was very clear for me. Now I would like to invite all of you all to start the Q&A session, and I'm going to take leave here for some time. Mike, okay. हाय, दिस इज सोहेल, आपके यहाँ पर लेफ्ट में विवेक जी. हाँ, बहुत बहुत बधाई हो आपको. थैंक यू. लुकिंग फैबुलस, ट्रेलर आल्सो लुक्स वेरी फैबुलस. सबसे पहले तो यही अटायर में आने के लिए, एक्चुअली किस तरह से आपने सोचा? नॉर्मली इस तरह से नहीं होता है. आप जो प्ले कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी का रोल, उसी भेष में आप आए हो सबसे पहले वो. और जब आपको सबसे पहले ऑफर किया गया था तो डिड यू बिलीव इन योर सेल्फ के यू वुड लुक लाइक नरेंद्र मोदी जी? तो पहले सवाल का जवाब ये है कि स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं इस तरह तैयार होकर आऊँगा. हम मॉन्टाज शूट कर रहे थे मड आइलैंड में और लेट हो गए, तो फेरी पकड़ के यहाँ पे आ गए और मैं अभी ये फिनिश करके वापस जा रहा हूँ. मेरे डायरेक्टर को पकड़ के हम शूट करने वाले हैं. अच्छा, तो फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है. लास्ट मॉन्टाज, सच का नाम, सच का सामना सच से करना चाहिए. तो लास्ट मॉन्टाज बिट, फिल्म कंप्लीट है, बस एक मॉन्टाज शूट करना था. दूसरी बात, लोगों ने बहुत सोचा कि नरेंद्र मोदी पर फिल्म बनानी चाहिए, बहुत बढ़िया कहानी है. सोचा बहुत लोगों ने, लेकिन किया संदीप सिंह ने. मेरे पास आए और मुझे काफ़ी लंबा समय लगा जब उन्होंने मुझे कहा कि ये फिल्म बनानी है, मैं आपके साथ बनाना चाहता हूँ. तो मुझे लगभग कम से कम 30 सेकंड लगे बताने के लिए कि यस, मैं कर रहा हूँ. आई डोंट नो, आई बिलीव, माई टीम बिलीव्स, माई डायरेक्टर बिलीव्स दैट मे बी आई हैव डन जस्टिस टू दिस लेजेंडरी कैरेक्टर. बट
जितने सालों से मैं उन्हें जानता हूँ, मैंने हमेशा उनको एक इंस्पिरेशन माना है। सर आपने जो भक्त की बात की, तो आर यू अ भक्त आल्सो ऑफ नरेंद्र मोदी जी? मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आदमी नहीं हूँ, मैं थोड़ा बैलेंस्ड आदमी हूँ, बट मुझे अप्रिसिएशन है भक्तों की भक्ति के लिए और क्रिटिक्स की क्रिटिसिज्म के लिए।